अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव को दर्शक बहुत पसंद करते हैं। उनकी आने वाली फिल्मों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आपको खेसारी के साथ आने वाली अक्षरा सिंह की दो बड़ी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिसमें अक्षरा सिंह खेसारी का साथ देती नजर आएंगी। दोस्तों 2013-14 में सुपरस्टार खेसारी के साथ अक्षरा सिंह की जोड़ी बहुत पॉपुलर थी। दर्शक इस जोड़ी को बहुत पसंद करते थे, इनकी फिल्में सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय करते थे। लेकिन इस बीच यानी 2013-14 में इन दोनों की जोड़ी टूट गई और जोड़ी बनी अभिनेता पवन सिंह और अक्षरा सिंह की। फाइनली अब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी टूट गई। दोबारा से खेसारी लाल यादव के साथ अब अक्षरा सिंह की जोड़ी बनने जा रही है। सबसे पहली फिल्म का नाम है बलम जी आई लव यू। जी हाँ, बलम जी लव यू का एक पोस्टर हमने सोशल मीडिया पर देखा, जिसमे अक्षरा सिंह नजर आ रही थी। इसी फिल्म में अक्षरा सिंह का एक कैमियो डांस हमें देखने को मिलेगा, जो खेसारी लाल यादव के साथ होगा और बहुत ही गजब डांस होगा, जो हमें काफी मजेदार लगने वाला है। दोस्तों ये तो रही पहली फिल्म अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव की, और दूसरी फिल्म का नाम है बबुआ बवाली। जी हाँ, बबुआ बवाली को डायरेक्ट करेंगे योगेश राज मिश्रा, और योगेश राज मिश्रा ने अक्षरा सिंह को साइन किया है खेसारी लाल यादव के अपोजिट। आप लोगों को बताते चले, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस फिल्म में हाईफाई भूमिका निभाते नजर आएंगे और इस फिल्म में खेसारी का जबरदस्त रोल हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर इस फिल्म में अक्षरा सिंह का रोल भी काफी अलग तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बताते चले, योगेश राज मिश्रा ने अब से पहले दबंग सरकार जैसी जबरदस्त फिल्म का डायरेक्शन दिया है। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई नहीं, उन्हें दूसरी फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, जो काफी खूबसूरत और बेहतरीन फिल्म है। बबुआ बवाली कमाल की फिल्म है, बलम जी आई लव यू कमाल की फिल्म है। तो आप लोग कौन सी दोनों फिल्म में से सबसे पहले देखना चाहते हो, दोनों में से कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए।